एक बार साहिल भाई के लिए जोरदार तालियां आप लोग बजा सकते हैं, बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं। और शशिकांत भाई का आदेश हमारे लिए अध्यादेश, हम लोग दौड़ते चले आए। यकीन मानिए लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा करके आपके बीच में यहाँ खड़ा हूँ। आप लोग मेरे सम्मान में तालियां बजा सकते हैं। शशिकांत भैया की पूरी टीम बैठी हुई है, कुछ युवा शक्ति भी है, कुछ भूतपूर्व नौजवान भी हैं। मैं सबकी खिदमत करूंगा। मैं चार पंक्तियां पहले माँ के हवाले से पढ़ता हूँ। मात्र शक्तियां बैठी हैं, शुरुआत करता हूँ। आप सभी लोगों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। मेरी बड़ी बहन विभा सिंह जी यहाँ बैठी हुई है, नरसिंह शास्त्री दादा, आदरणीय दादा, सभी लोग बैठे हुए हैं। सबके कदमों में रखता हूँ, चार मिशन शुरुआत करता हूँ, चार पंक्तियां पढ़ता हूँ। एक बार आप लोग आते सिद्ध कर दिए तालियां बजा के। मैं शुरू होना चाहता हूँ साहिल भाई। हेलो। और आपको बता दूं तालियां कभी क्यों बजवाते हैं, क्योंकि ये तालियां कवियों के लिए, हेलो, ये तालियां कवियों के लिए पोलियो ड्रॉप का काम करती है। जी, एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ माँ के हवाले से, जो भी पंक्ति आपको अच्छी लगे आप लोग तालियां बजा सकते हैं। अगर ताली बजाने में संकोच कर रहे हैं तो सामने वाले की पीठ पे हाथ जरूर मार। स्वागत है भाई। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, जुड़िएगा। कि मिले या हट उसे तो कौन है ये जान लेती है। खंड खंड भारत को अखंड बनाने वाले आदरणीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती हम लोग मना रहे हैं। 144वीं जयंती है। श्रद्धांजलि स्वरूप एक दो मुक्त तक पढ़ता हूँ, उसके बाद अपनी मूल विधा पे आने की कोशिश करता हूँ। शशि भैया देखिएगा, कि जोड़े जो दिल के तार वही खेल चाहिए, कि जोड़े जो दिल के तार वही खेल चाहिए, हर जातियों में फिर से यहाँ मेल चाहिए, हर जातियों में फिर से यहाँ मेल चाहिए, कि बटने लगा है खंड खंड ये अखंड फिर भारत को अपने दूसरा पटेल चाहिए, एकदम ताजा चार मिश्र हुए हैं। पढ़ता हूँ उसके बाद अपनी मूल विधा में आने की कोशिश करता हूँ। कि ये जातिवाद फैलता न बेल की तरह, कि ये जातिवाद फैलता न बेल की तरह, संसद भी नजर आती नहीं जेल की तरह, संसद भी नजर आती नहीं जेल की तरह, समस्या हमारे देश में 47 से चली आ रही है। अगर ये चीज वहाँ हुआ होता, मेरी चार पंक्तियाँ सुनिएगा, यहीं से माहौल बनाने की कोशिश करिएगा। अभी सब लोगों के हाथ नहीं खुल रहे हैं, ये चार पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। अगर हकीकत हो, अगर ये हुआ होता तो अगर वो मसला नहीं होता तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ। शशि भैया देखिएगा,
कि यकीनन देश के अपने सितारे हम हुए होते, कि यकीनन देश के अपने सितारे हम हुए होते, यहाँ पर जातिवादों के भी नारे कम हुए होते, यहाँ पर जातिवादों के भी नारे कम हुए होते, कि 47 में ही जम्मू का मसला शांत हो जाता, कि 47 में ही जम्मू का मसला शांत हो जाता, अगर सरदार वल्लभ भाई जी पीएम हुए होते, अगर सरदार वल्लभ भाई जी पीएम हुए होते, जैसा कि गजलकार के रूप में बुलाया गया है, और गजलकार होता है, गजल का मतलब ही होता है महबूबा से बात करना। हाँ, हाँ। यह नौजवान साथी बैठे, मैं जोड़ने की कोशिश करता हूँ। लोकति माने हैं गजल की महबूब से गुफ्तगु करना। जी जी, चार पंक्तियाँ, उसके पहले यहाँ पे नारी शक्ति है उसकी खिदमत कर दो, उसके बाद एक गजल पढ़ूंगा। चार पंक्तियाँ देखिएगा। कि आज की कोई कमजोर औरत नहीं और किसी से भी कम इनकी शोहरत नहीं, कि आज की कोई कमजोर औरत नहीं और किसी से भी कम इनकी शोहरत नहीं, दो घरों को सजाती हैं ये बेटियां, दो घरों को सजाती हैं ये बेटियां, बेटियों से बड़ी कोई दौलत नहीं, दो घरों से सजाती हैं ये बेटियां। बेटियां बहुत ही नसीब वालों को के घर आती हैं। ये चार पंक्तियां और सुनिएगा, अगर हकीकत हो, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। कि दर्द दिल में दबा कर चली जाएंगी, कि दर्द दिल में दबा कर चली जाएंगी, ख्वाब अपने सजा कर चली जाएंगी, ख्वाब अपने सजा कर चली जाएंगी, रोशनी शशिकांत भैया की जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं, आप लोग एक बार तालियां बजा के आप लोग आदेश करते हैं, आपके मतलब की बात अब होने जा रही है, यकीन मानिए। मोहब्बत एक ऐसी चीज है, बहुत ही पाकीजगी है मोहब्बत में। कभी मैंने एक शेर कहा था साहिल भाई कि किसी कभी जाया नहीं होंगे हमारी आंख के आंसू, कभी जाया नहीं होंगे हमारी आंख के आंसू, किसी के वास्ते रोना इबादत के बराबर है, किसी के वास्ते रोना इबादत के बराबर है। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ मोहब्बत की, अगर अगर ठीक ठाक हो तो आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। यहाँ पे नौजवान साथियों सबको जोड़ने की कोशिश करता हूँ, एक बार आप लोग तालियां बजा के आदेश कर दे, जो मैं सुना रहा हूँ आप तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा, इसका आकलन चलता रहे। चार पंक्तियां देखिए भाई, प्लीज बात बंद कर दीजिए आप लोग। कि प्यार हमने किया तो खबर हो गई, सारी दुनिया की हम पे नजर हो गई, कि प्यार हमने किया तो खबर हो गई, सारी दुनिया की हम पे नजर हो गई, प्यार से बढ़ के कोई इबादत नहीं, प्यार से बढ़ के कोई इबादत नहीं, प्यार करके ही मीरा अमर हो गई, प्यार से बढ़ के कोई इबादत नहीं, प्यार करके ही मीरा अमर हो गई, प्यार से बढ़ के कोई इबादत नहीं। चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ, शायरी इशारे का नाम होती है, अगर आप लोगों तक बात पहुंचे तो आप लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया यहाँ तक आने चाहिए। साहिल भाई,
कि प्यार की एक नई धुन बनाने लगी, कि मेरे गीतों को अब गुनगुनाने लगी, कि मेरे गीतों को अब गुनगुनाने लगी, प्यार की एक नई धुन बनाने लगी। उसने एक रोज कांटों को क्या छू लिया, उसने एक रोज कांटों को क्या छू लिया, उसकी खुशबू गुलाबों से आने लगी। उसने एक रोज कांटों को क्या छू लिया, उसकी खुशबू गुलाबों से आने लगी। उसने एक रोज कांटों को क्या छू लिया। चार पंक्ति एकदम नहीं पढ़ता हूँ, कहीं भी नहीं पढ़ा हूँ शशि भैया। श्वेता दीदी चार पंक्ति देखिएगा, सॉरी विभा दीदी ये काट देना है YouTube पे। चार पंक्ति एकदम नहीं पढ़ता हूँ और आप लोगों का आशीर्वाद मांगता हूँ कि मेरे आंखों के पानी में खो जाओगे, दर्द की तुम रवानी में खो जाओगे, कि मेरे आंखों के पानी में खो जाओगे, दर्द की तुम रवानी में खो जाओगे। मैं तो अपनी कहानी सुनाऊंगा पर आप अपनी कहानी में खो जाओगे, मैं तो अपनी कहानी सुनाऊंगा पर आप अपनी कहानी में खो जाएंगे। और अभी हमारे यहाँ चालान बहुत तेजी से पढ़ गया था, चार पंक्तियाँ समसामयिक की पढ़ता हूँ, उसके बाद एक छोटा सा गीत पढ़ूंगा, अपनी जगह लूंगा। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, तालियां बजाते रहे, जागृत हो जाए थोड़ा सा। कि कर रहे रोज वो ऐलान से डर लगता है, कि कर रहे रोज वो ऐलान से डर लगता है, कर रहे रोज वो ऐलान से डर लगता है, मुझको साहब तेरे हर हर, कर रहे रोज वो ऐलान से डर लगता है। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब ये गजल पढ़ रहे थे तो यूं आया शेर जहन में कि गुलों से गुलची तो कांटा कली से जलता है, गुलों से गुलची तो कांटा कली से जलता है, यहाँ हर एक किसी ना किसी से जलता है। अगर बात सच्ची हो तो तालियां जोरदार बजाएं कि गुलों से गुलची तो कांटा कली से जलता है, यहाँ हर एक किसी ना किसी से जलता है, और अमीरे शहर उसे किस तरह भला कह दूं, अमीरे शहर उसे किस तरह भला कह दूं, जो एक फकीर की दरिया दिली से जलता है, जो एक फकीर की दरिया दिली से जलता है, गुलों से गुलची तो कांटा कली से जलता है, यहाँ हर एक किसी ना किसी से जलता है। बहुत अच्छा है, मुझको साहब तेरे फरमान से डर लगता है, लेके हम रोड पे बाइक तो चल दिए हैं मगर कट न जाए कहीं चालान से डर लगता है, कट न जाए कहीं चालान से डर लगता है। चार पंक्तियां मैंने दो पार्टी को कंपेयर किया है, दो पार्टियों को मैंने कंपेयर किया। मैं किसी भी पार्टी का आदमी नहीं हूं, आपको बता दूं, ना तो मैं आदमी भाजपा का हूं, ना तो मैं सपा का आदमी हूं, आदमी तो मायावती का भी नहीं हूं। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ, दो पार्टी को मैंने कंपेयर किया है। विभा दीदी जी, चार पंक्तियां सुनिएगा, मस्ती पंक्तियां हैं, बनारस मस्ती का शहर है। एक बार आप लोग जोरदार तालियां बजा दें, अब आप लोग कविता सुनने के मूड में। पहला कवि इसलिए बुलाया ही जाता है कि वो शहीद हो जाए। मैं चार पंक्तियां मस्ती पढ़ता हूँ, देखिएगा कि तुम पीएचडी सनम मैं बीए की तरह, कि तुम पीएचडी सनम मैं बीए की तरह, तुम एलईडी बल्ब मैं दिए की तरह, तुम एलईडी बल्ब मैं दिए की तरह, टूटते टूटते मैं हुआ कांग्रेस, टूटते टूटते
हुआ कांग्रेस, तुम संवरती रही एनडीए की तरह, तुम संवरती रही एनडीए की तरह। युवा शक्ति बैठी है, एक अगर आपके सामने दृश्य उत्पन्न हो जाए तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं। जुड़ के सुनिएगा दोस्तों, आपके मतलब के गीत पढ़ने की भूमिका बना रहा हूँ कि गोरे गोरे गाल कसम से तौबा है कि गोरे गोरे। अच्छा, बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, ये लोग सुने लेकिन अमल ना करें, अमल ना करें। कि गोरे गोरे गाल कसम से तौबा है, मैं तो हुआ बेहाल कसम से तौबा है, मैं तो हुआ बेहाल कसम से तौबा है। जुल्फ खुली है पतली कमर है उस पे ये, जुल्फ खुली कसम से तौबा है, 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 है नागन जैसी चाल कसम से तौबा है। और अच्छा, अपने अच्छा, अच्छा, की लगती है कि फूलों सी मुस्कान गजब की लगती है, चाल है आलीशान गजब की लगती है, चाल है आलीशान गजब की लगती है। यूं तो लड़की बहुत है कॉलेज में लेकिन, यूं तो लड़की बहुत है कॉलेज में लेकिन, मुझको मेरी जान गजब की लगती है, मुझको मेरी जान गजब की लगती है। एक गीत पढ़ता हूँ। आता है मुझको अपना पहला प्यार कि याद बहुत आता है मुझको अपना पहला प्यार कि याद, जब तक ताली नहीं बजाएंगे ही पंक्तियां पढ़ होगा। याद बहुत आता है मुझको अपना पहला प्यार, लाखों कई हजारों में था दिल का मेरे यार कि याद बहुत आता है मुझको अपना पहला प्यार, लाखों कई हजारों में था दिल का मेरे यार। अब तालियां संभालिएगा कि कॉलेज का पहला दिन था जब सामने मेरे आई, कि कॉलेज का पहला दिन था जब सामने मेरे आई, नजर मिलाकर नजर से मेरे मन ही मन मुस्काई, कि कॉलेज का पहला दिन था जब सामने मेरे आई, नजर मिलाकर नजर से मेरे मन ही मन मुस्काई, तिरछी नजरों से फिर सीधे दिल पे करना वार, याद बहुत आता है मुझको अपना पहला प्यार। बहुत अच्छे, याद बहुत आता है मुझको अपना पहला प्यार, लाखों कई हजारों में था दिल का मेरे यार। जो कॉलेज प्यार, अभी दीपावली की छुट्टी हुई हुई हुई, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन छुट्टियां कटती नहीं है, कॉलेज के टाइम चलते हैं तो बहुत शोध किया है मैंने इस गीत में, ये बंद सुनिएगा। अगर आपने फील किया हो कभी छुट्टियों के दौरान ये, तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूँ। देखिए कि याद बहुत आता है मुझको अपना पहला प्यार, लाखों कई हजारों में था दिल का मेरे यार, कि काम नहीं करती थी उस दिन किसी वैद्य की घुटघुटी, कि काम नहीं करती थी उस दिन किसी वैद्य की घुटघुटी, जिस दिन हो जाती थी यारों कॉलेज की घर छुट्टी, काम नहीं करती थी उस दिन किसी वैद्य की घुटघुटी, जिस दिन हो जाती थी यारों कॉलेज की घर छुट्टी, फीके 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 हो जाते थे तीज सभी त्योहार, याद बहुत आता है मुझे कि फोन से चैटिंग करने में ये आंखें मेरी गड़ी थी, सिरहाने पर डंडा लेकर मम्मी आन खड़ी थी। यहाँ पे ताली बजती है नहीं, एक बार ताली बजाएं आप लोग, यहाँ पे ताली बजती है यकीनन। कि फोन से चैटिंग करने में ये आंखें मेरी गड़ी थी, सिरहाने पर डंडा लेकर मम्मी आन खड़ी थी,
और मम्मी का वो गुस्सा, क्या मोहब्बत भरा गुस्सा। झाड़ू बेलन और मम्मी की चप्पल वाली माँ, याद बहुत आता है मुझको अपना पहला प्यार, याद बहुत आता है मुझको अपना पहला प्यार। बहुत अच्छा।